हर हर गंगे दुर्गोत्सव समिति सेक्टर 10 भिलाई द्वारा प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी सेंट्रल एवेन्यू में दुर्गोत्सव का आयोजन भव्यता से किया जा रहा है। दुर्गोत्सव पंडाल में दुर्ग भिलाई सहित अन्य जिलों से श्रद्धालु पहुंचकर दुर्गा माता की प्रतिमा का दर्शन कर माता का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। दुर्गोत्सव पंडाल के समीप बने फिश टनल में छोटी बड़ी विदेशी मछलियाँ, रंग बिरंगे मूंगे की चट्टानों और आकर्षक समुद्री जीवों को देख कर श्रद्धालु रोमांचित हो रहे हैं। इस फिश टनल में हर आयु के दर्शकों को छोटी बड़ी मछलियां देखने को मिल रही है। वही फिश टनल में युवा और युवतियां सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। दुर्गोत्सव आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने आयोजन एवं दुर्गोत्सव पंडाल में समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था भी की है। दुर्गोत्सव की जानकारी हर हर गंगे दुर्गोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने दी। शारदीय नवरात्र के अवसर पर हर हर गंगे दुर्गोत्सव समिति के द्वारा सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू में माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो चवारा भी यहां पर स्थापित किया गया है। इसके साथ ही रोजाना भव्य आरती यहां पर की जाती है। तीसरे दिन भी विधिवत पूजा अर्चना यहां पर की गई। बता दें, इस पंडाल के परिसर में भव्य मेले का आयोजन भी यहाँ पर किया गया है। आकर्षक हवाई झूले के साथ ब्रेक डांस झूला, इसके साथ ही व्यंजनों के स्टॉल भी यहां पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर स्वाद भी चख रहे हैं। इसके साथ साथ फिश टनल एक्वेरियम भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आयोजन को लेकर हर हर गंगे दुर्गोत्सव समिति के लोगों ने इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी। आज माता का पितृदिन है, विराजे हुए, तो मैं कामना करता हूँ माता से कि सभी श्रद्धालु जो भी आए हैं उनसे वो सब निरोग रहे, ऐसा मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ। आज माता का तीसरा दिन, माता चंद्रघंटा आज तीसरे दिन विराज करती है। ये माता दिव्य स्वरूप, माता की कृपा से आज माता का जो आशीर्वाद इस दिन प्राप्त होता है उसे सभी का रोग, जो रोगी रहते हैं सबका रोग माता हमती है। शारदीय नवरात्रि का अतिथि दिवस है और अतिथि दिवस से माता चंद्रघंटा के रूप में माता की पूजा आराधना की जाती है। चंद्रघंटा जस हाथ में माता की सभी में अस्त्र शस्त्र रहती है, कभी भी माता युद्ध के तैयार रहती है और आरोग्य की देने वाली माता के रूप में आज माता की पूजा अर्चना की जा रही है। सनातन धर्म में माता चंद्रघंटा का बहुत बड़ा स्थान है। किसी को अगर बीमारी है, रोग शोक है, बाधा है, दूर है, तो माता चंद्रघंटा की आराधना से, माता की कृपा से सब विपदाएं दूर होती है। बहरहाल हजारों की संख्या में यहां पर माता रानी के भक्त रोजाना पहुंचकर दर्शन लाभ ले रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।